गत 21 जून 2024 और 26 जून 2024 को थाना क्षेत्र जानकीपुरम में 60 फीटा रोड के पास चेन स्नैचिंग की दो घटनाएं हुई थी, जिनके संबंध में तहरीर प्राप्त होने के बाद संगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। इस दोनों अपराधों के संबंध में हमारे एसीपी अलीगंज, उसके साथ साथ प्रभारी निरीक्षक जानकीपुरम एवं सर्विलांस क्राइम टीम उत्तरी जोन ने लगातार अच्छा प्रयास करते हुए दोनों ही घटनाओं का सफल अनावरण किया है और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही अभियुक्त अलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त विनय कुमार पुत्र राम नरेश, जिसके कब्जे से एक एक्टिवा स्कूटी और एक चेन में लॉकेट की बरामद हुई है। इसके अलावा इसकी निशानदेही पर ही जो चेन खरीदने और उसको बेचने का काम करता था, वो बाबू लोधी पुत्र फूलचंद, जो थाना क्षेत्र अलीगंज का ही निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनका इसके पास से भी एक चेन बरामद हुई है, पीली धातु। के दोनों अभियुक्तों से और पूछताछ की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर इनका रिमांड बनवाया जाएगा। अन्य थानों से इनका जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में अन्य जानकारियां की जा रही हैं। क्या करते थे सर ये लोग, और क्या पहला इनका ही मामला है या इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं को पारित कर चुके हैं? अभी तक जो हमारी जानकारी है, जानकारी के हिसाब से ये दोनों का पहला ही अपराध है। एक विनय कुमार जो है अपने परिवार में जो बिजनेस है उस पर अपना काम धंधा करता था, और ये घटना अपने निजी शौक को पूरा करने के लिए उसके द्वारा एक घटना कारित की गई। क्या नशे का भी, नशा भी करते थे? क्योंकि महंगे शौक की बात करें अगर तो नहीं, अभी महंगे, अभी इस टाइप का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है, नशे की बात प्रकाश में नहीं आई। क्या लग रहा है कि क्या किसी एक गिरोह के साथ भी काम करते थे, या उनकी उनके एक तरह से टच में आने के बाद उन्होंने इस तरह की घटनाओं में ये अंजाम देना शुरू किया, या क्या मुझे मानना है? क्योंकि एक पहला इनका ये अपराध है, तो ऐसे में कई सारे सवाल अभी जहन में उठ रहे हैं, तो क्या उन सवालों का जवाब भी ढूंढने का काम पुलिस करेगी? इन बिंदुओं पर अभी हमारे जो प्रभारी निरीक्षक की टीम है इन बिंदुओं पर कार्य कर रही है। अगर आसपास के थानों से भी इनका अगर आपराधिक इतिहास होगा उसको पता किया जाएगा। अन्य जानकारी इनकी सीडीआर या आसपास के लोगों से पूछताछ करके एकत्र करके विवेचना का भाग बनाया जाएगा और आपको बताया क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था? क्या कैसे क्या क्यों मिला बिल्कुल। इनका?